हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज आज हम डिस्कस करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू सीट एवरीवन कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज बीन आस्क्ड इन एडोब क्वेश्चन काफी अच्छा है आई डोंट थिंक ये इजी लेवल प्रॉब्लम है स्टिल देयर आर एन सीट्स एंड एन स्टूडेंट्स इन अ रूम यू आर एन एरे सीट्स ऑफ लेंथ एंड Where seat of i is the position of the ith seat. You are also given an array student of length n, where student of j is the position of jth student. You may perform the following move any number of times increase or decrease the position of ith student by one. Moving the ith student from position x to either x plus 1 or x minus 1. Return the minimum number of moves required to move each student to a seat such that no two students are in the same seat. Note that there may be multiple seats or students in the same position at the beginning. Okay, so you may have duplicates. Uh, यहाँ पे इनपुट है कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंस्ट्रेंट्स ही बात करें तो आपकी जो सीट की लेंथ है और स्टूडेंट की लेंथ है वो एन है एन मैक्सिमम आपका हंड्रेड हो सकता है सीट ऑफ आई और स्टूडेंट ऑफ जे ये भी आपका मैक्सिमम हंड्रेड हो सकता है ग्रेट ओके okay, तो ये सिंपल एलोकेशन प्रॉब्लम है आपको दो एरेज मिलेंगे सीट्स एंड स्टूडेंट ठीक है अब यहाँ पे क्या है ये सीट की पोजिशन है और ये क्या है ये स्टूडेंट की पोजिशन है फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये एक नंबर लाइन है ठीक है मैं यहाँ बना लेता हूँ स्टूडेंट आपके ग्रीन से कर लेते हैं ओके okay, सो so मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बना ली है अब हमारा टास्क क्या है हमें इन स्टूडेंट्स को इन सीट्स पे एलोकेट करना है ग्रीन से मेरा स्टूडेंट है ब्लू से मेरी सीट है ठीक है अब इन स्टूडेंट्स को हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में एलोकेट करना है मूव्स क्या होता है मूव मतलब अगर कोई स्टूडेंट पोजीशन एक्स पे खड़ा है तो वो चाहे एक मूव में एक्स प्लस वन कर सकता है चाहे एक्स माइनस वन कर सकता है आपके पास इनफाइनाइट मूव्स हैं आप किसी भी स्टूडेंट को इनफाइनाइट टाइम्स मूव करा सकते हो बट हर मूव की प्रॉपर्टी क्या है कि या तो एक स्टेप आगे जाओगे या एक स्टेप पीछे जाओगे फॉर एग्जाम्पल अगर इस स्टूडेंट को इस सीट पर जाना है तो इसे वन एंड वन टू मूव लगेंगे करेक्ट तो ये आप इसे सब करके भी निकाल सकते हो सेवन माइनस फाइव इज इक्वल टू टू ठीक है सो so, ये हमारा मूव uh, लॉजिक है अब हमारा आइडिया क्या है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव यूज़ करके इन सारे स्टूडेंट्स को इन वेकेंट सीट्स में एलोकेट करना है ठीक है तो जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी सीट है तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी कि ऐसा तो नहीं होगा कि सीट खत्म हो जाए या स्टूडेंट ज्यादा निकल जाए नो no, ऐसा कभी नहीं होगा बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ सीट्स आर सेम ना हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऐसा क्या करा जाए कि हमें खाली मिनिमम मूव्स मिले ठीक है तो यहाँ पे आपको ग्रेडी होना पड़ेगा ग्रीडी मतलब जो स्टूडेंट जिस सीट के सबसे ज़्यादा पास है दूसरे वर्ड्स में जो सीट सबसे ज़्यादा पास किसी स्टूडेंट के आप उन दोनों को एलोकेट कर दो तो जैसे कि ये सीट नंबर वन इस स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा क्लोज़ है तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट को इसी सीट पर बैठा लो ठीक है देन ये वाली सीट इस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा क्लोज है तो इसे बैठा लो ओके देन ये वाली सीट इस वाले स्टूडेंट की सबसे ज्यादा क्लोज है तो इसे इस सीट पे बैठा लो अब आपका आंसर इस केस में क्या होगा टू माइनस वन इज वन फोर माइनस थ्री इज वन सेवन माइनस फाइव इज टू तो वी कैन ऐड दिस से फोर मूव्स एंड दिस इज आवर आंसर ठीक है तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सीट से आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो जो भी स्टूडेंट सबसे ज्यादा पास है इस सीट के आप उसे सीट पे एलोकेट कर दो हाँ अब ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल स्टूडेंट एक ही पोजीशन पे हो तो आपने एक को यहाँ साइन कर दिया दूसरे को आप आगे कहीं कर दोगे ठीक है ओके सो आई गेस अगर आपको ये वाली पिक्चर आपके दिमाग में है तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ कम्स की ये पिक्चर लाई कैसे जाए तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा इन सीट्स और इन स्टूडेंट्स को सॉर्ट करना पड़ेगा तो सॉर्ट करने के बाद ये कैसे दिखेंगे टू फोर एंड सेवन फॉर द स्टूडेंट्स ठीक है अब आप देखो ये रही पहली सीट ये रहा पहला स्टूडेंट तो इन दोनों का आप असाइन कर दो वन एंड टू ग्रेट ये रही दूसरी सीट ये रहा दूसरा स्टूडेंट आप इन्हें और इन्हें असाइन कर दो ग्रेट ये रही तीसरी सीट ये रहा तीसरा स्टूडेंट आप इन्हें और इन्हें असाइन कर दो ठीक है सो एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ दिस क्या हो जाएगा टू माइनस वन इज वन एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ दिस फोर माइनस थ्री इज आपका अगेन वन एंड एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ सेवन माइनस फाइव इज अगेन टू तो वी कैन एड एंड से दिस इज आवर आंसर ठीक है चलो इसे कोड करते हैं तो आइडिया बड़ा सिंपल है दोनों एरेज को सॉर्ट करेंगे और दोनों को आइट्रेट करके एप्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे और उस डिफरेंस को हम ऐड करते रहेंगे ठीक है बिकॉज एप्सोल्यूट डिफरेंस क्या है इस सीट से इस स्टूडेंट की बीच की डिस्टेंस कितने मूव में यह स्टूडेंट इस सीट तक पहुँच सकता है ग्रेट चलो अभी इसे सॉल्व करते हैं अच्छा वाई एप्सोल्यूट डिफरेंस क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपका सीट पोजिशन टू हो स्टूडेंट पोजिशन वन पे खड़ा हो तो वन माइनस टू या टू माइनस वन आपको खाली वन मूव चाहिए इसलिए हम एब्सोल्यूट डिफरेंस ले रहे हैं समझ में आए ना जैसे टू माइनस वन लिखो या फिर वन माइनस टू लिखो इन दोनों केस में इधर वन आ जाएगा इधर माइनस वन आ जाएगा बट हमने मूव तो एक ही किया ना पोजीशन वन से पोजीशन टू पे गए अब स्टूडेंट चाहे आगे बढ़ रहा है चाहे पीछे बढ़ रहा है उसने मूव तो एक ही किया ना तो ये इंपॉर्टेंट है सो लेट्स कोर्ट दिस सबसे पहले हम इस एर को सॉर्ट कर लेंगे एरेज डॉट सॉर्ट ठीक है यहाँ ले आते हैं अपना सीट्स कॉपी We'll इधर आ जाएंगे आपके स्टूडेंट्स ठीक है नाउ वी कैन से इंट एन इज इक्वल टू equal डॉट लेंथ ओके एंड इंट आई इज इक्वल टू जीरो आई इज लेस हमारा टास्क क्या है रिजल्ट निकालना ठीक है तो वी कैन से मिन मूव्स ठीक है यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं मिनिमम equal इज इक्वल टू जीरो And then we'll say minimum moves plus equal math dot absolute difference of seeds of i minus students of i. Theke? And finally, we can return this minimum move. Return minimum moves. Okay. Let's run this. Hopefully, this will work. And it did. Now let's try to submit it. एंड यू कैन सी ये वर्क कर रहा है ठीक है ना हमें से थोड़ा सा ऑप्टीमाइज करना पड़ेगा ना वॉट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच तो इन दोनों सीट को शॉर्ट करने का टाइम क्या हो गया एन लॉग इन प्लस एन लॉग इन ठीक है उसके बाद आपने क्या किया इस दोनों सॉर्टेड एरे को आइड्रेट किया और फाइंड किया एप डिफरेंस तो आपने एक लूप भी लगाया यहाँ पे ठीक है तो ये आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई बेगो ऑफ ट्वाइस ऑफ एन वाइट व्वाइस ऑफ एन इसको सॉर्ट करने के लिए मर्स शॉर्ट यूज़ करी गई है क्योंकि आर डॉट शॉट मर्स शॉर्ट यूज़ करता है और मर्स शॉर्ट हमेशा ओ ऑफ एन स्पेस लेती है तो एन स्पेस आपने इधर लगाई एन स्पेस आपने इधर लगाई ठीक है तो ट्वाइस ऑफ एन और ये रही आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है तो आई होप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है बट मैंने कहा इसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं वो कैसे करेंगे ओके okay, अब क्वेश्चन के कंस्ट्रुनस पे अगर आप एक बार ध्यान दो तो आपकी जो सीट ऑफ आई स्टूडेंट ऑफ जे की वैल्यू है वो मैक्सिमम हंड्रेड तक जा रही है और सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो शॉर्टिंग हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग काउंट शॉर्ट ये मैं आपको दो तीन दिन से बता रहा हूँ काउंट शॉट पर एडवांटेज क्या है कि बिग ऑफ एन प्लस काउंट साइज ये इतना ही चलता है तो हमारे केस में हमारे पास एन एलिमेंट्स हैं और काउंट साइज हम फिक्स कर दें अगर हंड्रेड पे ठीक है इसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे बट लेट्स से हमारे पास मैक्सिमम हंड्रेड सीट हो सकती है हंड्रेड स्टूडेंट हो सकते हैं तो हमारा जो काउंट सॉट है वो इतनी ही टाइम तो लेगा सो ये कुछ कुछ सिनारी में आपके एन लॉग इन से क्या होगा बेटर होगा कुछ कुछ क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आप एन की अलग अलग वैल्यूज़ लोगे तो कभी ये ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा कभी ये ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा ठीक है बट इन लॉन्गर रन हमारा काउंटॉट ज़्यादा बेटर होता है अगर बहुत बड़ी वैल्यूज़ हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई थिंक खाली सौ वैल्यूज़ हैं हमारे पास ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो जो एन है वो हंड्रेड तक जा रहा है यही थाउजेंड होता टू थाउजेंड होता तो थोड़ा बेटर भी हो सकता था ठीक है एनी anyway. सो लेट्स कम बैक एंड अप्लाई काउंट सॉर्ट ईयर तो काउंट सॉर्ट का आइडिया क्या होता है आप सबसे पहले एक एरे बना लेते हो जिसमें आप पॉसिबिलिटीज डाल देते हो अब मैंने आपसे कहा मेरे पास वन से लेके कर हंड्रेड तक स्टूडेंट आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट स्टूडेंट या सीट्स तो इन uh, शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हम एक सीट uh, एरे बनाएंगे सीट काउंट एरे और यहाँ पे हम एक स्टूडेंट काउंट एरे बनाएंगे ठीक है तो मैं दोनों बना लेता हूँ ऑफ साइज हंड्रेड ओके सो मैंने यहाँ पे दो काउंट एरे बना लिए सीट काउंट एंड स्टूडेंट काउंट ठीक है अब ये दोनों साइज़ कितनी है वन हंड्रेड वन साइज़ की यानी कि जीरो से लेके हंड्रेड एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आप उसे स्टोर कर सकते हो ना हमें क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालनी है ऐसे ही काउंट सॉर्ट वर्क करता है सबसे पहले हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल लो तो यहाँ पे सबसे पहले सीट्स को फिल करते हैं पहली वैल्यू है थ्री तो इंडेक्स थ्री पे जाएंगे और यहाँ पे प्लस वन कर देंगे अगली वैल्यू है वन तो इंडेक्स वन पे जाएंगे और प्लस वन फिर है फाइव इंडेक्स फाइव पे गए और प्लस वन बाकी सब पोजीशन पे क्या है आपका जीरो पड़ा हुआ है ठीक है एंड ये सारे जीरोज़ हैं नेक्स्ट आपका क्या है स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू क्या है टू तो इंडेक्स टू पे जाओ प्लस वन इंडेक्स सेवन पे जाओ प्लस वन, वन इंडेक्स फोर पे जाओ प्लस वन बाकी सारी वैल्यूज आपकी जीरो से इनिशियलाइज रहेंगी ठीक है तो तो ये आपका एक्चुअली है। है है। है? अब हमारे है। only, अब हमारे पास सीट सीट स्टूडेंट स्टूडेंट ठीक खाली इतने पे पे ध्यान देते हैं। so idea क्या था? था। आपको पहली को पहले से एसोसिएट करना था। तो हम यहाँ पे दो पॉइंटर रखेंगे ठीक दूसरा रखेंगे आई पहली नॉन जीरो क्योंकि पहली नॉन जीरो और जे क्या ढूंढेगा पहली नॉन जीरो वैल्यू ढूंढेगा क्योंकि पहली नॉन जीरो वैल्यू पे आपका स्टूडेंट खड़ा है तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दी पोजिशन ऑफ दीज टू फर्स्ट पोजिशन ऑफ सीट एंड फर्स्ट पोजिशन ऑफ स्टूडेंट जैसे हमें पोजीशन मिल जाए वी कैन फाइंड दी एब्सोल्यूट डिफरेंस ठीक है देखते कैसे सो लेट स्टार्ट सबसे पहले हम निकाल लेंगे हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं ठीक है थीके? तो हमारे पास टोटल एन स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे गिवन थे तो तीन स्टूडेंट हैं हमारे पास ठीक है इस एरे की साइज है थ्री तो हम थ्री स्टूडेंट्स के लिए काम करेंगे अब सबसे पहले I से फर्स्ट सीट ढूंढते हैं तो क्या ये वैल्यू नॉन जीरो है? नहीं, तो इसे आगे बढ़ा दो अब आई आपका यहां पे आ गया ठीक है J की बात करें क्या ये वैल्यू नॉन जीरो J तो को भी एक आगे बढ़ा दो ठीक है नाउ क्या ये वैल्यू नॉन जीरो है बिल्कुल नहीं तो हमें J को आगे बढ़ाना पड़ेगा नाउ क्या ये वैल्यू नॉन जीरो है यस सो वी नीड टू स्टॉप हियर अब हमारा आई j फिक्स हो चुका है ठीक है आई खड़ा है इंडेक्स नंबर वन पे जे खड़ा है इंडेक्स नंबर टू पे और ये इंडेक्सेस अगर तो आपको ध्यान हो तो क्या थे एलिमेंट्स थे तो पोजीशन टू पे आपका एक स्टूडेंट है पोजीशन नंबर वन पे आपकी एक सीट है तो आप क्या करोगे सीट माइनस माइनस स्टूडेंट माइनस माइनस ठीक है माइनस माइनस क्यों किया क्योंकि हमने एक स्टूडेंट को एक सीट पे एलोकेट कर दिया कितने मूव लगे तो पोजीशन टू से पोजीशन वन जाने के लिए आपको वन मूव लगेंगे तो वी कैन से मूव्स ये हम निकालेंगे जे माइनस आई से इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ठीक है तो जे माइनस आई ठीक है तो वी कैन से टू माइनस वन इज़ वन तो नंबर ऑफ मूव्स हमारे कितने हो गए करेंटली वन अब आप क्या करोगे नेक्स्ट सीट ढूंढो तो फिर से आई को आगे बढ़ाते हैं यहाँ जीरो मिल गया स्किप करो यहाँ पे वन मिल गया तो आई विल स्टॉप हियर पोजीशन नंबर थ्री अब नेक्स्ट स्टूडेंट कहाँ पे तो जे को बढ़ाते हैं यहाँ पे वैल्यू है जीरो यहाँ पे वैल्यू है वन तो वी विल स्टॉप हियर नाउ सीट मिली आपको पोजीशन थ्री पे स्टूडेंट मिला आपको पोजीशन फोर पे फोर माइनस थ्री इज़ वन एक मूव में आपने इन्हें बैठा दिया ये वैल्यू भी जीरो हो गई ये वैल्यू भी जीरो हो गई मैं वैल्यूज़ को जीरो क्यों कर रहा हूँ अभी मैं आपको बताऊँगा पहले इसको uh, पूरा कम्प्लीट कर लेते हैं सो लेट्स फाइंड दी नेक्स्ट सीट अब यहाँ वैल्यू क्या है जीरो कोई बात नहीं आगे चलते हैं यहाँ वैल्यू क्या है वन तो वी नीड टू स्टॉप हेयर यहाँ पर हमारी नई पोजिशन मिल गई तो फिफ्थ पोजिशन पर एक सीट रखी हुई है लेट्स फाइंड दी नेक्स्ट स्टूडेंट तो ये वैल्यू क्या है जीरो ये ये क्या है? Zero, ये क्या है है जीरो नॉन जीरो तो वी विल स्टॉप हियर अब ये पोजीशन क्या है सेवन तो सेवन एंड फाइव सेवन माइनस फाइव का डिफरेंस होता है टू तो टू प्लस टू हो गया आपका फोर तो यहाँ पे एक सीट एलोकेट हो गई एक स्टूडेंट रिड्यूस हो गया नाउ सी वी कैन हैव अ स्टॉपिंग कंडीशन हियर हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं एक दो

और यहाँ पे आपकी दो सीट्स थी जिसमें से एक आपने रिड्यूस कर दी तो वन बचा नाउ यू सी आई इज़ नॉन जीरो तो आप आई को इसलिए ब्लाइंडली बढ़ा नहीं दोगे जब तक ये वैल्यू जीरो नहीं हो जाती क्योंकि हो सकता है यहाँ पर मल्टीपल सीट्स हों तो ये केस मैं आपको बता रहा था तो आप फिर से i को आइट्रेट करोगे आप देखोगे यहीं पे रुक जाओ यहाँ एक नॉन जीरो वैल्यू है तो i आपका अभी भी फिफ्थ इंडेक्स पे रहेगा ध्यान रखना जैसे ही जीरो हो हम तब बढ़ाएंगे नॉन जीरो वैल्यू जब तक है तब तक हम नहीं बढ़ाएंगे इसीलिए मैं माइनस बाई वन कर रहा था कि माइनस वन करने के बाद अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती तभी हम नेक्स्ट सीट पे जाएंगे एंड सेम विद स्टूडेंट अगर एक पोजिशन में मल्टीपल स्टूडेंट है तो आप माइनस वन कर लो जब वो ज़ीरो हो तभी हमें नेक्स्ट मूव करना है तो यू कैन सी कि अब ये जीरो हो गया आप जे को तो आगे बढ़ा दोगे बट आई वाला जीरो नहीं

और हम क्या करेंगे इस साइज का सीट एरे बनाएंगे इस साइज का स्टूडेंट एरे बनाएंगे जिससे कि हम इतनी पोजिशन को सेव कर पाए ठीक है तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है स्टूडेंट एरे फॉर्म करने के लिए बिग गो ऑफ एन इतने वैल्यूज को आइट्रेट करके फ्रीक्वेंसी काउंट की ये आपका सीट्स हो गया प्लस सेम टाइम हमें लगा स्टूडेंट के लिए क्रिएट करने में प्लस वर्स केस में हम कह सकते हैं कि हम सारी सीट्स uh, या सारे एरे को ट्रैवर्स करेंगे तो प्लस हंड्रेड तो ये हमारी क्या हुई ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ कुछ केसेस में ये आपके नॉर्मल सॉर्टिंग से बेटर होती है ओके सो नाउ लेट्स कोड दिस अप सबसे पहले मैं एक यूटिलिटी uh, लिख लेता हूँ टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू सो आई कैन से पब्लिक एंड फाइंड मैक्स फाइंड मैक्स ओके सो ये आपका एक एरे लेगा एंड ए आर आर Now, what I need to do is int max is equal to integer dot min underscore value. Okay, I am maximum say maximum find. Now we will iterate our array. Int i is equal to 0, i is less than arr dot length, and then i plus plus And we can say max is equal to math dot maximum of array of i, comma, max. Okay. देन वी कैन रिटर्न दिस मैक्स वैल्यू रिटर्न मैक्स ओके चलो अब इसे कोट करते हैं तो सबसे पहले मैं सीट काउंट बनाऊंगा सीट काउंट एरे ठीक है इज इक्वल टू न्यू इंट एंड हम ले लेते हैं मैक्स सीट ठीक है मैक्स सीट प्लस वन वाई प्लस वन जैसे मान लो मेरी मैक्सिमम सीट की वैल्यू है 19 तो मुझे नाइनटीन इंडेक्स भी तो चाहिए तो नाइनटीन्थ इंडेक्स कहाँ होगा उस एरे में होगा जिसका साइज ट्वेंटी होगा ओके okay? सो so, इस तरीके से लॉजिक होता है सो मैक्स स्टूडेंट प्लस वन एंड इसे हम कह देते हैं स्टूडेंट काउंट ठीक है स्टूडेंट काउंट आई कैन से एंट मैक्स सीट ठीक है इज इक्वल टू एंड वी कैन कॉल आवर फाइंड मैक्स फंक्शन फाइंड मैक्स फंक्शन इसमें हम पास कर देंगे सीट्स ना इसे ही कर लेते हैं कॉपी एंड वी कैन पेस्ट इट अभी मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स ये, ये रहा पेस्ट यहाँ आ गया मैथ स्टूडेंट ठीक है तो हमने क्या किया स्टूडेंट एंड सीट का प्रॉपर एरे बना लिया नाउ लेट्स फिल दी एरे फिल दी काउंट एरे तो आई कैन से फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन और यहाँ पे टोटल लेंथ निकाल लेते हैं ठीक है तो आई कैन से इंट टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू अब ये दोनों ही एरे सेम है दोनों की साइज सेम है तो वी कैन डेफिनेटली यूज इट इन अ सिंगल लूप ठीक है uh, वाई फंक्शन फंक्शन नहीं लगेगा तो आई कैन से आई इज इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन टोटल स्टूडेंट्स एंड देन आई प्लस प्लस एंड वी कैन ईजिली फिल दिस टू एरेज दैट सीट ऑफ काउंट ठीक है यहाँ पे हम लिखेंगे सीट्स ऑफ आई एंड ये वैल्यू प्लस प्लस एंड सिमिलरली फॉर काउंट तो And similarly for students, तो आ जाएगा जाएगा ठीक है paste, and यहाँ पे आ आ okay, so हमने हमने क्या किया आप देखो इस इस के के अंदर ये एक्स्ट्रा आ गया. Okay, इस लुक के अंदर ये से गया अपना काउंट एर फिल कर लिया नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है फाइंड करना है और जे से मूव्स को Uh, यहाँ पे वाइल्ड लूप यूज़ कर सकते हैं मैंने आपको कंडीशन बताई थी जब तक आपके पास टोटल स्टूडेंट्स खत्म ना हो जाए तब तक आप ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना तो इफ़ टोटल स्टूडेंट्स इज ग्रेटर देन जीरो देन वी विल डू सम प्रोसेस एंड वी कैन से टोटल स्टूडेंट्स माइनस माइनस ठीक है अब सबसे पहले आपको क्या करना है फाइंड अ सीट ठीक है फाइंड अ सीट एंड उसके बाद आपको क्या करना है फाइंड अ स्टूडेंट ठीक है सीट एंड स्टूडेंट फाइंड करना है एंड देन उसकी एप्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है तो आई कैन से वाई सीट काउंट को कॉपी कर लेते हैं ठीक है सीट काउंट ऑफ आई इक्वल जीरो जब तक आपको जीरो वैल्यू मिलती रहे आप इसे स्किप करते रहो ठीक है आई प्लस प्लस तो जहां पे आपका ये लूप वाई लूप एग्जिट होगा आपकी वहां पे एक सीट होगी ठीक है देन सिमिलरली आई कैन से पेस्ट यहाँ पे आ जाएंगे आपके स्टूडेंट्स ऑफ चे तो स्टूडेंट काउंट स्टूडेंट काउंट इधर आ गया जे एंड ये हो जाएगा जे प्लस प्लस नाउ आई कैन से मूव प्लस इक्वल मैथ डॉट एब्सोल्यूट डिफरेंस अब आप चाहे आई माइनस जे लिखो चाहे जे माइनस आई वो आपकी मर्जी ठीक है तो हमने स्टूडेंट और सीट uh, की पोजीशन को माइनस करके मूव कैलकुलेट कर, कर लिया अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको काउंट जरूर माइनस माइनस करना है ठीक है सीट काउंट ऑफ आई माइनस माइनस एंड सिमिलरली स्टूडेंट काउंट ऑफ जे माइनस माइनस ठीक है स्टूडेंट काउंट ऑफ जे माइनस माइनस एंड टोटल स्टूडेंट्स हमने माइनस माइनस कर ही दिया था ठीक है so, सो इस बड़े वाले वाइल्ड लुक के बाद यू कैन रिटर्न योर मूव्स रिटर्न मूव्स ठीक है चलो अब इसे रन कराते हैं सो होप फुली दिस विल वर्क एंड इट इड नॉलेज ट्राई टू सबमिट इट ग्रेट ठीक है सो so, बस यार ये था आज की वीडियो में आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत चल नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर